मेरा नाम अनवर है और मैं एक रग्बी प्लेयर हूँ। मैं नेशनल लेवल पे खेल चुका हूँ, गोल्ड मेडल जीता हूँ 2007 में असम में। सो जब मैं रग्बी खेलना स्टार्ट किया जब मैं 16 साल का था, और उस वक्त में मतलब मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है तो हम मतलब स्ट्रीट पे रहते थे, तो मतलब कुछ भी ऐसा मतलब सपना नहीं था कि मतलब मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, और मतलब मेरा इस समाज में मेरा कुछ हिस्सा है क्या नहीं, या मैं उनके साथ में रह पाऊँगा कि नहीं आगे जाके। तो उस समय में जब हम स्ट्रीट पे रहते थे मेरे फैमिली के साथ में, तो मेरे से बहुत सारे दोस्त थे जो मतलब उनको क्या बनना है, उनके पास भी कुछ सपना नहीं था। तो वो लोग जैसे एडिक्शन में या फिर छोटे मोटे क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना, तो उनके साथ में मेरा भी मतलब बहुत सारा योगदान था। उनके साथ में मैं भी रहता था, बहुत सारा मस्ती करता था, मतलब कुछ स्कूल नहीं कुछ नहीं। तो ऐसा एक वक्त आया जहाँ पर कुछ ऐसे मेरे दोस्त थे जो रग्बी खेलने के लिए जाते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मेरे को बोला चलो अनवर तुम भी चलो हमारे साथ में, तो तुमको भी बहुत मज़ा आएगा, रग्बी खेलेंगे हम लोग ये वो। तो मैं जब उन्होंने बोला कि मज़ा आएगा, तो जो मज़ा वाला जो शब्द था मेरे लिए वो अच्छा लगा। तो जब मैं वहाँ पर गया रग्बी खेलने के लिए, और वो लोग बहुत इंग्लिश में बात कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मैं एकदम अपने आप को एकदम अनकम्फर्टेबल फील करने लगा वहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ जो वहाँ पर मैंने सीखा, आत्मविश्वास मुझे जो मिला वहाँ पर, तो मैंने अपने आप को उनके साथ में जोड़ने लगा। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे वहाँ पर खेलने के लिए, और उसको मतलब हासिल भी कर सकते हैं जहाँ पे हम अपना हार्ड वर्क करके कुछ बन सकते हैं वहाँ पर। तो वो सब सपना मुझे वहाँ पर दिखने लगा रग्बी के अंदर। मेरा जो डेली रूटीन था वो मेरा कट हो गया वहाँ पर, मतलब जो मैं उनके साथ में बैठ के नशा करने जाने का, या फिर कोई ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी करने जाने का, या फिर छोटा मोटा काम करने के लिए जाने का, तो सब एक्टिविटी मेरा कम हो गया वहाँ पर, क्योंकि मेरा ध्यान ज़्यादा रग्बी की तरफ चला गया। पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, उस टाइम में मेरा पढ़ाई इतना अच्छा नहीं था, मैं स्कूल था लेकिन मैं ड्रॉप आउट था स्कूल से, क्योंकि कुछ सपना नहीं था क्या करना है क्या नहीं है, क्या होगा ज़िंदगी में आगे जाके। जब मैं उस फील्ड में गया तब मुझे मालूम पड़ा कि हम एक दुनिया का एक पार्ट है, हम लोग का भी एक सपना है होना चाहिए, और उसको हम लोग हासिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। तो उसके ज़रिए मैंने सीखा, फिर मैंने अपना जो स्कूल्स के जो मेरे दोस्त थे उनके साथ में मैं जुड़ने लगा वापस से, और फिर मेरा स्कूल का मैंने जर्नी स्टार्ट किया। तो उसी के चलते आज मैं मतलब मेरे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और मम्मी को मैं संभालता हूँ, मैं एक अच्छी जगह पे आज जॉब कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे को अच्छी तनख्वाह मिलती है। सो ये जो आज बदलाव है जो मैंने देखा अपने आप में, ये सब वो रग्बी की वजह से, मतलब कैसे चैलेंजेस को पार करना, कैसे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, मतलब अच्छे वे में, मतलब झगड़ते नहीं ना लड़ाई करते हुए, कुछ नहीं, एकदम अच्छे वे पे कैसे आप उन लोग अपना लाइफ को जो सफ़र है उसको हम अच्छा बना सकते हैं, वो मैंने पूरा रग्बी के अंदर सीखा। तो ये जब सब चेंजेस जो है आज मेरे लाइफ के अंदर है बिकॉज ऑफ रग्बी के वजह से मैंने अपना ज़िंदगी को आज बनाया है। और अब अच्छी जगह पे मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे फैमिली अभी हम स्ट्रीट पे नहीं रहते, अभी हमने अभी खुद का एक रेंट पे घर लिया है, हम मेरी फैमिली के साथ में वहाँ पर मैं रहता हूँ। हम जो सोच अभी हम जो मेडिसिन फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो सोच है जो मैंने अपने आप में देखा, और ये जो विश्वास है, जो मतलब बिलीव है कि रग्बी चेंज कर सकता है किसी के लाइफ को, वो मैं खुद हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो सोच हमने सोचा है कि और बच्चे को भी मिलना चाहिए, और बच्चे को अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ऑब्वियसली वो मतलब उसको बदलाव करके देख सकता है। जैसे स्कूल ड्रॉप आउट है, मैंने वहाँ पर स्कूल स्टार्ट किया, अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा, अगर आपको कुछ कैप्टन बनना है टीम का और टीम के साथ में आपको बात करना है तो आपके पास उतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या आपको किधर नौकरी करना है तो आपके पास पढ़ाई होना चाहिए। हम जो मेडिसिन फाउंडेशन इंडिया के साथ में हम करेंगे, और जो और बहुत सारे बच्चे हैं उनको ये मौका मिलेगा, वो भी इस तरह से अपना जर्नी को करके अपना लाइफ को बदलेंगे और एक मतलब सस्टेन ज़िंदगी जिएंगे आगे जाके। ये सब मेरे लिए मतलब एक बोलते ना मेडिसिन थे जो मेरा ज़िंदगी उन्होंने बदला है। इस चीज़ को मैं और जो बच्चे हमारे दुनिया में है उनके लिए मेडिसिन बनूँ, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और मेरी ज़िंदगी की तरह और भी ज़िंदगी के लोगों के लिए मतलब हेल्प हो। थैंक यू।